के इंद्री अनाज मंडी के सुपरवाइजर जितेंद्र द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का ऑडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। क्षेत्र में वायरल हुई इस ऑडियो ने सभी अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। रिकॉर्डिंग में 15,000 से 20,000 रुपए के लेन देन की बात हो रही है। वायरल ऑडियो में व्यक्ति 15,000 में काम चलाने की बात कह रहा है, जबकि अधिकारी 20,000 के बिना काम नहीं होने की बात कह रहा है। बहरहाल ये ऑडियो क्लिप पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। दस्तावेज की एवज में की जा रही है 20,000 की डिमांड। 2 मिनट 35 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग में 1 मिनट 10 सेकंड अधिकारी और पीड़ित के बीच बातचीत हुई है। रिकॉर्डिंग में जहां अधिकारी दस्तावेज देने की एवज में पैसे की डिमांड कर रहा है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग में एक साहब सिंह नामक व्यक्ति का भी जिक्र किया जा रहा है। इस मामले में इंद्री अनाज मंडी सचिव बलवान सिंह का कहना है कि एक ऑडियो वायरल होने के बारे में पता लगा है, जिस पर आरोप लगे हैं कि वह आज छुट्टी पर है। इसकी जांच की जाएगी और उसके खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही होगी वह की जाएगी। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। काम न पड़ेगा, मेरे तो अपना काम बताया करना, तेरा काम हो तो बता। मैं ऐसा जितेंद्र बाबू जाकर पता है आपस में थोड़ा बहुत कर लेंगे। नहीं आपस में कोई इस कितने बात बनाने से मेरे साला लग जाए बाहर चले भी करने की जरूरत आता रहता है। जी ठीक फिर आगे 20 का 20 ले गए 15 ले गए 15 में चलो काम नहीं चलेगा। हाँ घर में बड़े 5,000 है ऐसा है। मैंने साहब से इनका बात कर ली और बोले का कोई ऑडियो वायरल हो रही है आपके विभाग के किसी कर्मचारी की, कोई पैसे मांगते हुए? वो ऐसी कुछ मेरे नॉलेज में कुछ आया है ऐसा, लेकिन वो भी कर्मचारी छुट्टी पे है, उसके आने के बाद उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा जिस प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।